वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम खनिज संसाधन का दूसरा भाग लेते हैं जिसमें हम एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम और कोयला खनिजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एल्यूमिनियम या फिर बॉक्साइट। बॉक्साइट है वो खनिज एक मृत्तिकामय खनिज है जिसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। कम या अधिक मात्रा में इसमें सिलिका भी पाया जाता है। तो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम उद्योग का आधार है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय भाग है वहाँ पर अधिक पाया जाता है, और जो एल्यूमिनियम धातु है वो अधिकतर धरातल के पास ही पाए जाते हैं। अब हम विश्व में एल्यूमिनियम का उत्पादन और वितरण प्रतिरूप देखें। जो संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक विभाग का 2015 का आकलन है उसके अनुसार विश्व में 55 से 75 बिलियन टन बॉक्साइट के भंडार हैं। 1990 से पूर्व बॉक्साइट का उत्पादन विश्व में बहुत तीव्र गति से नहीं होता था, लेकिन 1990 के बाद जो विमान उद्योग है उसमें और अन्य उद्योगों में एल्यूमिनियम की जो मांग बढ़ती रही उसके कारण बॉक्साइट के उत्पादन में अत्यधिक तीव्रता आई है। वर्तमान में विश्व में बॉक्साइट का कुल उत्पादन 23.4 करोड़ टन होता है, जिसका कि 1/3 भाग अकेला ऑस्ट्रेलिया उत्पादित करता है। मुख्य उत्पादक देश देखें बॉक्साइट के तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, गिनी, भारत, जमैका, रूस, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, सूरीनाम, यूनान, गुयाना, ये सब प्रमुख एलुमिना या बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 35.1% भाग उत्पादित करता है और विश्व का सबसे बड़ा एलुमिना बॉक्साइट उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के उत्पादन और संचित भंडार की दृष्टि से क्वींसलैंड प्रांत का केपियार प्रदेश है, उसमें वीपा क्षेत्र विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। वीपा क्षेत्र के समीप अर्नहम लैंड के मध्य में स्थित गीव थान क्षेत्र भी बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है। अब मध्य और दक्षिणी अमेरिका, जिसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील है वो 10.9% उत्पादन के साथ बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील के आंतरिक भाग में स्थित मैदानी प्रदेशों में ब्राज़ील का अधिकांश बॉक्साइट उत्पादित किया जाता है। सूरीनाम भी है वो विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 2% भाग उत्पादित करता है। फिर गुयाना, ये विश्व का 0.9% भाग उत्पादित करता है। गुयाना में प्रमुख उत्पादन समुद्र तटीय भागों में और कुछ मध्य आंतरिक भागों में भी किया जाता है, और यहाँ कुछ दो तीन नदियाँ हैं, बर्विश और दमेरेरा। इन नदियों की घाटियों में परतों के रूप में बॉक्साइट पाया जाता है। गुयाना अपने अधिकांश बॉक्साइट को निर्यात कर देता है। अफ्रीका में गिनी विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 9.7% भाग उत्पादित करता है और विश्व के प्रमुख देशों में आता है। गिनी में बॉक्साइट उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कोनाकी बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश और काशा क्षेत्र है, और संपूर्ण बॉक्साइट का उत्पादन गिनी का लगभग इसी क्षेत्र में होता है। घाना भी प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश है। घाना के आंतरिक भाग में पट्टी नुमा पेटी है, उसमें घाना का संपूर्ण बॉक्साइट उत्पादित होता है। आंतरिक भाग में स्थित येनाहिन क्षेत्र, कुमासी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित अफो क्षेत्र, ये घाना के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक प्रदेश हैं। कैमरून और जायरे का आंतरिक भाग भी मुख्य बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत, चीन, मलेशिया, ये भी बॉक्साइट के छोटे उत्पादक देश हैं। भारत में बॉक्साइट के संचित भंडार 307.6 करोड़ टन है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश में सरगुजा, शहडोल, जबलपुर क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात में जामनगर, कच्छ, सूरत और कर्नाटक में बेलगांव एवं बाबा बुदन की पहाड़ी, ये प्रमुख
बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो विश्व के विकासशील देशों में बॉक्साइट के अधिकांश जमाव पाए जाते हैं, लेकिन ये देश हैं वो तकनीकी और दृष्टि से उन्नत नहीं हैं। तो इसके अभाव में ये देश अपने उत्पादित बॉक्साइट का अधिकांश भाग निर्यात कर देते हैं। जमैका, सूरीनाम, गयाना, गिनी, घाना, ये प्रमुख बॉक्साइट निर्यातक देश हैं। जबकि विकसित देश जहाँ पर तकनीकी दृष्टि से उन्नत जो कि तकनीकी दृष्टि से उन्नत हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, इटली, ब्रिटेन, ये प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक देश हैं। तो ये था अपना बॉक्साइट। अब हम सारणी की सहायता से भी बॉक्साइट का विश्व में उत्पादन और वितरण देख सकते हैं। ये 2014 के अनुसार विश्व में बॉक्साइट उत्पादन और विश्व का प्रतिशत और प्रमुख देश इस सारणी की सहायता से देख सकते हैं, और इस मैप की सहायता से विश्व के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों को हम देख सकते हैं। अगला अपना खनिज संसाधन है जो कि ऊर्जा संसाधन है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है वो वर्तमान में औद्योगिक और परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व के जिन देशों में पेट्रोलियम का संचित भंडार पाया जाता है, उन देशों का वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जो अन्य विकसित देश हैं वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से इन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जो अधिकतर दैनिक क्रियाएं हैं वो पेट्रोलियम के उत्पादों या सह उत्पादों से संबंधित हैं। इनके अलावा प्रकाश करने में, उद्योगों की मशीनों में, वस्त्रों आदि में स्नेहक के रूप में, कृत्रिम रबर के निर्माण में, प्लास्टिक, नायलॉन, दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, इन सब के निर्माण में पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। भूगर्भ से जो पेट्रोल प्राप्त किया जाता है वो कुओं द्वारा बाहर निकाला जाता है। कुओं से निकलने वाला तेल है वो बहुत गाढ़ा तरल होता है। पेट्रोल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हाइड्रोकार्बन के विभिन्न अनुपातों में मिश्रित होने से होता है। भूगर्भ से प्राप्त पेट्रोलियम में अवांछित पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, जिसको विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध रूप में परिवर्तित किया जाता है और अनेक उप उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। कुओं से निकलने वाले तेल में अनेक प्रकार की अशुद्धियां सम्मिलित होने के कारण इसको अशुद्ध तेल कहा जाता है। अशुद्ध तेल में विभिन्न अवांछित तत्वों की मात्रा के अनुसार इसे हल्का तेल, जिसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और भारी तेल, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। वर्तमान समय में कोयले की अपेक्षा पेट्रोलियम है उसका ऊर्जा संसाधन के रूप में अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम को कोयले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आसानी और सावधानी से संचय और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। पेट्रोलियम से कोयले की अपेक्षा ऊष्मा भी अधिक मिलती है और उसकी ज्वलनशीलता भी अधिक होती है। इसी कारण प्राचीन काल में जिन कार्यों के लिए कोयले का उपयोग होता था, वहां आजकल पेट्रोल का अधिक उपयोग होने लगा है। अब जो शोधित तेल है, पेट्रोलियम को अशुद्ध कच्चे तेल को शुद्ध करने के बाद उस शोधित तेल है, उसमें निम्न तीन श्रेणियों में उसको विभाजित कर सकते हैं हम। एक तो पेट्रोल, यह सबसे अधिक शुद्ध, सबसे हल्का होता है, जिसका प्रयोग है वो वायुयान तथा मोटर कारों में होता है। फिर डीजल, ये मध्यम भार वाला होता है, जिसे सामान्यतः बस, ट्रक, रेल इंजन व जलयान इनमें काम में लेते हैं। फिर कैरोसिन, इसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, जो कि हम विभिन्न घरेलू कार्यों में प्रयोग में लेते हैं। अब विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश या क्षेत्र देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, उत्तरी अमेरिका, रूस, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ये जहाँ इनमें से जो दक्षिणी पश्चिमी एशिया,
इनमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश देखें तो सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात या फिर अन्य देश जैसे कतर, बहरीन, सीरिया, ये सब टर्की है। ये मुख्य तेल उत्पादक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हम लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो इंडोनेशिया वो प्रमुख तेल उत्पादक देश है, जो कि विश्व के कुल जमाव का 2% पेट्रोलियम रखता है। इंडोनेशिया के अलावा जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य देश हैं जैसे म्यांमार है, वो भी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा भारत है वो विश्व में तेल उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण देश नहीं है, यहाँ पर अल्प मात्रा में ही तेल निकाला जाता है। फिर पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में प्रमुख उत्पादक तेल उत्पादक देश चीन है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 5.1% उत्पादित करता है। मध्य एशिया, मध्य एशिया में पेट्रोलियम के भंडार हैं वो कैस्पियन सागर के पूर्व और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। ये पूर्व में सोवियत संघ के भाग थे, लेकिन अब जैसे इनका नाम तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, इन क्षेत्रों में मुख्य उन देशों में मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका मेक्सिको की खाड़ी, मध्य महाद्वीपीय प्रदेश है, इसमें मेक्सिको की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है वो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। फिर कुछ पश्चिमी प्रदेश जैसे कैलिफोर्निया की सान जाकिन घाटी है, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। कनाडा भी प्रमुख तेल उत्पादक देश है, जो कि विश्व के कुल तेल उत्पादन का 3.6% तेल उत्पादित करता है। रूस के बहुत सारे क्षेत्र तेल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे वोल्गा यूराल प्रदेश, काकेशस प्रदेश, साइबेरियाई प्रदेश, सखालिन प्रदेश। फिर कुछ लैटिन अमेरिकी देश हैं वो भी तेल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे वेनेजुएला है, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। मेक्सिको, अर्जेंटीना, फिर अफ्रीका के भी कुछ देश जैसे मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये तेल उत्पादन करते हैं। फिर यूरोप के कुछ जो कुछ देश हैं वो अल्प मात्रा में ही तेल का उत्पादन करते हैं। जो केवल 2% भंडार हैं वो विश्व के यूरोप में स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन है, यही प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं जो यूरोप के अंदर प्रमुख हैं, विश्व में इनका कोई प्रमुख स्थान नहीं है। तो ये था हमारा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र और या देश। और इस जो ये सारणी है, इस सारणी की सहायता से हम विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश और उनमें उत्पादन देख सकते हैं। अगर मैप के अंतर्गत देखना हो तो ये मैप, इस मैप की सहायता से हम विश्व का 2013 का तेल उत्पादन देख सकते हैं। अगला खनिज संसाधन हम लेते हैं कोयला। कोयला कार्बन युक्त काले भूरे रंग का जीवाश्म ईंधन है, जो मुख्यतः है हम जानते हैं पहले से कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रमुख आधार भी कोयला रहा है, इसे काला सोना भी कहते हैं। कोयले को कार्बन की मात्रा और जलवाष्प की मात्रा के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट कोयला। जिनमें से जो पीट कोयला है वो निम्न जो हल्की क्वालिटी का होता है, निम्नतम क्वालिटी का होता है, जिसमें 20% से कम कार्बन पाया जाता है। ये कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है। ये लकड़ी का मामूली परिवर्तित रूप होता है। कार्बन की कम मात्रा और जलवाष्प की अधिक मात्रा के कारण इसे कुछ लोग कोयला मानते ही नहीं हैं। इसका औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग नहीं किया जाता है, केवल थोड़ी बहुत मात्रा में घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब ये जलता है तो लकड़ी की तरह जलता है, जिसमें जो आँच है या ऊष्मा कम निकलती है और धुआं अधिक होता है। लिग्नाइट पीट कोयले से अगली श्रेणी का जो कोयला है, अधिक क्वालिटी वाला, वो लिग्नाइट है, जिसमें 20% से लेकर 40% तक कार्बन पाया जाता है। ये है भूरे रंग का कोयला होता है
और जलते समय धुआं भी अधिक देता है, और जलने के बाद इसमें राख भी अधिक बनती है। फिर बिटुमिनस कोयला, ये विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला है। उत्पादन, संचित भंडार, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सर्वाधिक उपयोग, ये सब बिटुमिनस कोयले का ही किया जाता है। बिटुमिनस ये काले रंग का चमकदार कोयला होता है और जलते समय अपेक्षाकृत कम धुआं देता है और राख भी कम ही बनती है। इसमें 40% से लेकर 80% तक का कार्बन पाया जाता है। फिर एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला है, ये सर्वोत्तम कोयला होता है। ये सर्वाधिक क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। यह कड़ा, घनीभूत, कठोर, चमकदार, रवेदार और भंगुर होता है। इसमें नमी बहुत कम, 1% से भी कम पाई जाती है। इसमें 90% तक कार्बन पाया जाता है। ये संसार का केवल कुछ प्रतिशत भाग है वो ही एंथ्रासाइट कोयले का है, 5% के लगभग। ये जलते समय धुआं नहीं देता है और इससे जलने के बाद इसमें राख भी न के बराबर बनती है। ये नीली लौ के साथ बहुत लंबे समय तक जलता रहता है। इसका सर्वाधिक उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। इसको कोकिंग कोयला या कोक कोयला भी कहते हैं। शीत प्रदेशों में स्थित मकानों को गर्म करने में भी एंथ्रेसाइट कोयले का ही उपयोग किया जाता है। इसका उत्पादन और संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, रूस, जर्मनी, बेल्जियम, चीन आदि देशों में पाया जाता है। इसका भंडार वैसे बहुत कम है। अब कोयले का विश्व में उत्पादन देखें, प्रमुख उत्पादक देश हैं तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, ये सब प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। कोयला उत्पादन सारणी की सहायता से भी हम देख सकते हैं कि 2014 में विश्व में कोयला उत्पादन किस देश में कितना प्रतिशत और कितनी मात्रा में होता था, और विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक देश नक्शे में इस मानचित्र की सहायता से हम देख सकते हैं। तो, okay.